हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये जो एक क्लिपिंग है, ये मैंने दिखा रही हूँ आपको मेरे स्कूल का, जहाँ पे फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के बच्चों का PYP एग्जीबिशन था। तो वो एग्जीबिशन देखने हम भी गए थे। और यहाँ पे जितनी भी ये चीज़ें हैं वो सारी हैं अलग अलग कंट्रीज़ की, जहाँ पर जो कस्टम, जो जो चीज़ें फॉलो होती वो सब कुछ बच्चों ने शोकेस की है। बच्चे जो यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, उन्होंने वहाँ पर्टिकुलर उस कंट्री का कॉस्ट्यूम भी पहना है। वहाँ पे क्या क्या एमिनिटीज़ हैं, कैसे क्या कल्चर है, क्या क्या फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, वो सब कुछ बच्चों ने यहाँ पे शोकेस कर रखा था। मतलब इतनी मेहनत पूरा उस चीज़ के बारे में, पहले उन्होंने खुद ने नॉलेज गेन किया, उनके टीचर्स ने खूब सारी मेहनत करी, पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर करी, फिर उस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर इस एग्जीबिशन में प्रेजेंट किया। इज़न्ट इट ऑसम? मतलब कितनी मेहनत करी है बच्चों ने, वो साफ साफ आपको नज़र आ रहा होगा। बच्चे पूरे दिन भर मतलब प्रॉपर अपने कॉस्ट्यूम्स में थे, और जो जो टीचर्स ने उनको सिखाया था, बताया था, उसको प्रॉपरली कर रहे थे। स्कूल में आज था हमारा लास्ट वर्किंग डे बिफोर दिवाली ब्रेक्स, तो बड़ा ही शानदार दिन था। बच्चों ने भी खूब मज़े किए, डेकोरेशन वगैरह किया पूरे क्लासरूम का, और बहुत सारी मस्ती करी। मैं यहाँ पे अटैच करूँगी बच्चों ने जो मेरे लिए दिवाली के कार्ड्स, दिवाली की विशेज़ जो बनाई थी वो। फिर स्कूल से हमें दिवाली गिफ्ट भी मिला है, वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी घर पहुँचने के बाद। अभी मैं और ऋतुराज आए हैं बाहर, क्योंकि कुछ हमें फर्नीचर वगैरह लेना था हमारे घर के लिए। कल परसों हम आके गए थे, कुछ चीज़ें पसंद आई थी, तो बस आज हम फाइनली उनसे बात करने आए हैं। अगर हमें लगता है हमारे रेट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें, मतलब जैसा जैसा हमें चाहिए वैसा सब कुछ अरेंज हो जाएगा, तो फिर हम आज यहाँ से शायद ले सकते हैं। अदरवाइज़ फिर हम देखेंगे, शायद दिवाली के बाद लेंगे, मतलब देखते हैं। अभी तो फिलहाल हम उनसे बात करने आए हैं, और बच्चे गए हुए हैं ट्यूशन, इसलिए हम दोनों आ गए हैं अभी, कि बच्चे जब आ जाएंगे तो फिर हमें बच्चों के कपड़े लेने जाना है, तो फिर हम वहाँ पर जाएंगे। तो चलो चलते हैं। और मेरे घर के बिल्कुल पास ही है, और वो भाई साहब भी पहचानते हैं, मतलब जान पहचान के ही निकल गए वो भाई साहब भी। तो देखते हैं क्या होता है, कैसा मिलता है हमें फर्नीचर, हमारी पसंद का मिलता है कि नहीं मिलता है। तो हमारे फर्नीचर की बुकिंग के बाद हम लोग आ गए थे बाहर शॉपिंग करने के लिए, राज के लिए और पीहू के लिए हमने शॉपिंग करी है दिवाली की। वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी क्या क्या लिया है, वो आप ब्लॉग्स में देख ही लोगे जब बच्चे पहनेंगे या देखेंगे तब। और उसके बाद हम लोग आ गए थे बाहर डिनर करने के लिए। ये राज मेरा अपना लिटिल हार्ट बना रहा है, मुझे पुच्छियाँ कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहा था मुझे। तो यही हम फैमिली टाइम इन्जॉय कर रहे थे अपना। और ये है नेक्स्ट डे का, क्योंकि आज था संडे, आज ऋतुराज का भी ऑफ था, मेरा भी छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई दिवाली ब्रेक, और बच्चों की भी छुट्टी थी। तो हमने सोचा कि चलो अब हम करते हैं पूरी सफाई वगैरह स्टार्ट। तो मैं इनको बोल रही थी कि चलो ये सब मैं कर देती हूँ, आप कुछ और जो चीज़ें उतारनी है वो उतार दो, क्योंकि मेरा हाथ नहीं पहुँचेगा। तो ये भी मज़े ले रहे थे मेरे, बोलते नहीं नहीं आप ही उतारो किसी चीज़ से चढ़ के उतारो। तो मैं कोशिश कर रही थी, और ये मैंने पूरा अपना फेस कवर कर रखा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट उठती है ना, और मेरी स्किन ऐसी है कि बहुत जल्दी मतलब सेंसिटिव स्किन है, तो पिंपल्स वगैरह बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो देखो मैं फिर से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फाइनली मैंने कर ही लिया था, मैंने कहा ठीक है मैं कर लूँगी खुद ही। अभी आ गया बीच में राज, ये भी बोल रहा है कि मम्मा मुझे भी दो, मुझे भी सफाई करनी है। हमने कहा नहीं बेटा, आप इस कमरे से दूर रहो, यहाँ से बाहर रहो, और हमें शांति से करने दो, वही हमारे लिए सबसे बड़ी हेल्प है आपकी। और अब ये मैंने जाले झाड़ने वाला जो है वो ऋतुराज से ले लिया था। एक्चुअली पता है क्या, जेंट्स लोग करते तो हैं, वो सिर्फ ऊपर ऊपर का दीवार का जितना भी उनको दिखता है ना वहाँ करते हैं, साइड साइड में पता है इतने छोटे 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 जाले टाइप निकल आते हैं ना, क्योंकि जो कीड़े होते हैं, जो मकड़ी होती है, वो इधर उधर लग जाती है, तो उस पर तो वो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते। और हमारा ये रहता है कि जब हमें सफाई करनी है तो वो बिल्कुल परफेक्टली होनी चाहिए, एक एक चीज़ बिल्कुल परफेक्टली साफ़ होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने इनको बोला, मैंने कहा सुनो आप ये वाला काम तो मुझे दो, क्योंकि आप ना दीवार के ऊपर से मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर जो छत है ना वहाँ पे करोगे, मैं हर एक चीज़ हर एक कोना अच्छे से साफ करूँगी। तो बस वही हम लोग कर रहे थे, तो इन्होंने भी खूब हेल्प करी मेरी, और राज भी बीच बीच अपने इनपुट्स दे रहा था और करके। फिर ये देखो अभी जो हमने वैसे किसी को बोला है कि जो आके अच्छे से फ़ैन साफ़ कर देगा, बट हमने सोचा कि एक बार जो
थोड़ा मोटा मोटा गंदा गंदा दिख रहा है, ब्लैकिश ब्लैकिश, वो हम हटा देते हैं, तो दैट वी वर डूइंग। बाकी हमने किसी को बुलाया है, वो जो फ़ैन अच्छे से साफ कर देंगे, तो बस वही हम करने में लगे थे। और हमारे आंटी भी आ गए थे, काम वाम करने लगे थे, तो हमने आंटी को बोला, आंटी एक बार ये वाला रूम आप छोड़ दो, देखो राज कैसे मस्ती कर रहा है बदमाश। तो आंटी को हमने बोला, आंटी एक बार ये वाला रूम आप छोड़ दो, इसका झाड़ू पोछा सब कुछ आप बाद में करना, तो पहले हम अच्छे से झाड़ लेते हैं पूरा। मैं जो यहाँ पे झूमर है उसको भी बिल्कुल धीरे धीरे कर रही थी कि ताकि झूमर का कुछ भी पार्ट नीचे ना गिर जाए, क्योंकि वो कांच का है हमारा झूमर, तो उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी डेलिकेट सी लगी हुई हैं, तो लगता है कि यार कहीं टूट नहीं जाए। अभी पीहू भी आ गई थी, बोलती मम्मा मैं भी हेल्प कराती हूँ, और ऐसे बोल के बैठ गई थी, तो मैं इसको डांट रही थी कि पिया दिन भर मतलब ऐसे बैठने से नहीं, पूरे घर को लगना पड़ता है दिवाली की सफाइयों में, तो सब फटाफट से आओ और हेल्प कराओ। तो बस यही हम लोग सब कर रहे थे। फिर आंटी हमारे, मुझे लगा आंटी तो चले जाएंगे, मुझे अकेले ही करना पड़ेगा, लेकिन आंटी हमारे इतने स्वीट हैं, आंटी ऐसे बोले कि दीदी जो नेक्स्ट घर जाना था ना वहाँ से मैंने छुट्टी ले ली है, आपका ये कमरा मैं अच्छे से धुलवा के और फिर ही घर जाऊँगी। तो वो वाली क्लिपिंग्स मैंने नहीं ली, ऑफकोर्स आंटी को भी ऑड लगता, तो जो मैंने मेरा सफाई करी वही ली है। बट बाद में झाड़ने के बाद आंटी ने पूरे अच्छे से वापस से झाड़ू लगाई थी पूरे कमरे में, और उसके बाद हम दोनों ने मिलकर, मतलब मोस्ट ज़्यादा तो आंटी ने ही किया था, मैंने तो सिर्फ थोड़ी थोड़ी हेल्प की थी, सर्फ डाल के अच्छे से करके रगड़ रगड़ के इस हॉल को अच्छे से धो दिया था। इस ये देखो ये बीच में राज को छेड़ने में लगे हुए हैं, और इस रूम में से हमने सब कुछ खाली कर दिया था, सब कुछ बाहर निकाल दिया, जितना भी आपको सामान दिख रहा है ना सब कुछ बाहर निकाल दिया, सिर्फ सोफा रखा था और सब कुछ बाहर निकाल दिया था, और अच्छे से सफाई करी थी। सुबह आपने देखा कि आज से ही मैंने दिवाली की सफाइयाँ शुरू करी है, मॉर्निंग में इन्होंने हेल्प कराई, और उसके बाद हमारे आंटी इतने स्वीट हैं, वो रुक गए, बोलते कि ना दीदी मेरे को दूसरी जगह जो जाना था ना काम के लिए, मैं वहाँ नहीं जा रही आज, मैंने छुट्टी ले ली वहाँ से, मैं आपको काम करा के जाऊँगी। तो आंटी पूरा बाहर वाला जो हॉल है वो अच्छे से रगड़ रगड़ के धुलवा के गई हैं, पूरा हमने क्लीन कर लिया, क्योंकि क्या होता है पोछे से है ना पूरा अच्छे से गंदगी नहीं निकलती, तो साल में एक बार मतलब दिवाली पे मैं उसको धोती ही धोती हूँ पक्के से, ताकि पूरा अच्छे से क्लीन हो जाए। तो आज हॉल पूरा अच्छे से धुल गया है, और सेट अभी नहीं किया है सारा सामान, जाके सेट करूँगी, पहुँच के धो धो के जो भी चीज़ें लगानी है वही लगाऊँगी, पर्दे वगैरह भी हमने सारे उतार लिए थे, खिड़कियाँ भी अच्छे से साफ़ करी है, मतलब इन शॉर्ट बाहर वाला हॉल पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया है हमने, खिड़कियाँ पर्दे वर्दे सब कुछ, अब बस उनको धो धो के और फिर वापस से लगाना है। और सोफ़ा जो है मैंने दूसरी साइड कर दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस हॉल को अब हम बेडरूम के तौर पे यूज़ करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा नया बेड आएगा 2 दिन बाद, तो हम वो लगाएंगे, तो इसलिए हमने उसके लिए स्पेस लगा दी है। बस यही सब किया, फिर उसके बाद इतना सारा काम करने के बाद कुछ घर का सामान वामान लेना था, ग्रॉसरी वगैरह, तो उसके लिए मैं और ऋतुराज निकले थे, वो ली है। फिर मैंने थोड़ा सा डेकोरेशन का सामान, फ्लावर्स वगैरह लिए हैं, मैं सोची थी बाद में लेती, बट मेरे एक शूट है उसके लिए भी, एकदम से कुछ उनके मुँह पर लगेगा, उसके लिए भी डेकोरेशन का सामान चाहिए था, तो मैंने सोचा चलो अभी ले ही लेते हैं, फिर साथ के साथ ले लिया है ये फ्लावर्स वगैरह, ये सब यहाँ अगर आपको दिख रहा होगा तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, तो वो लिया है। अब बस घर पहुँचे हैं, फटाफट से खाना बनाऊँगी, दोनों बच्चों को हम ऊपर ही छोड़ के गए थे, अब देखते हैं क्या गदर मचा रहे हो दोनों के दोनों अकेले। पीहू को बोल के तो आई थी मैं बेटा ध्यान रखना, पर वो भी बच्ची ही है, कई बार लापरवाही कर देती है, तो बस अभी हम जा रहे हैं ऊपर और खाना बनाएंगे, पुलाव भी बनाऊंगी ताकि फटाफट से बन जाए, भिगो के गई थी मैं चावल, पुलाव बनाएंगे खाएंगे, और उसके ये सब तो करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट, और फिर मैं करूंगी मेरे शूट की तैयारी, क्योंकि 4 बजे वीडियोग्राफर भैया आ जाएंगे शूट के लिए, मेरे को ये पूरा सेटअप भी करना है, रेडी भी होना है, सारे काम करने। रात से मेरी छुट्टियाँ पड़ी हैं, रात से बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे काम जो पूरे करने हैं। चलो दोनों अंदर ही हैं, क्या कर रहे हैं अभी पता चलेगा। पिया खोलो बेटा, पिया खोल बेटू जल्दी। और चलो दिखाते हो हमारा घर कैसा फैला हुआ है सारा का सारा, पहले छानबीन कर लो आप, ये देखो यहाँ पे ये सब फैला हुआ है, ये हमने सोफे मंगवाए थे, भैया लाइट ऑन करना बेटा, ये हमने सोफे मंगवाए थे अमेज़ॉन से जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया है, ये देखो ये ऐसे फटा हुआ आया है, फटा हुआ हम क्यों रखें, वो बोलता है मैं आपको डिस्काउंट पे, यू व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई आर यू थ्रोइंग एवरीथिंग, तो क्या करूँ, नहीं आप भी तो मम्मा को डांट रहे हो, तो तमीज़ से रखो बेटा, थोड़ा सा धीरे से ऐसे के, मैंने पूरा अच्छे से सेट किया था लेकिन वो दिमाग ख़राब हो गया मेरा वो देख के, तो ये रहा,
पूरा देख। पिया मत कर बेटा, उलझ जाएगा बेटा। पियू रख दो बेटा वापस प्लीज। तो इसको अब हमें पैक करके भी भेजना पड़ेगा। बॉक्स टूट गया था तो मैंने उसके ऊपर ये लगा दिया। हाँ ठीक है, चलो मैं फटाफट से खाना बनाती हूँ, फिर बताती हूँ कि इसकी पूरी क्या कहानी है इस सोफे की और अब हम कैसे इसको वापस भेज रहे हैं, क्या कर रहे हैं। यस बेटा, क्या करें अब दिवाली की छुट्टियाँ हैं तो हम व्लॉग ही व्लॉग बनाएंगे और क्या करेंगे, है ना। और इस रूम को धुलवा लिया हमने आंटी से, अच्छे से दिख रहा होगा, पूरा सब कुछ हटा दिया है यहाँ से। आवाज़ भी गूंज रही है इसकी वजह से। ये मैंने क्लीन करके वापस लगा दिया है यहाँ पे, ये भी लगा दिया, पर्दे हैं खाली और ये सब लगाना है। और ये यहाँ यहाँ हमारा बेड आएगा, वहाँ पर ड्रेसिंग आएगी और ये सोफ़े यहीं रहेंगे। और जो नए वाले सोफ़े हैं वो उन सोफ़ों की जगह जहाँ वो था वहाँ आएंगे। खाना बना रही हूँ बेटा फटाफट से। और ये देखो पूरा फैला हुआ है, इसको करेंगे से अंदर रूम भी पूरा फैला हुआ है। और कल किचन के लिए मैं सोच रही हूँ बुलाऊंगी किसी को जो किचन कर जाओ प्लीज़, ताकि हमारा काम थोड़ा सा कम हो जाए, वरना अगर मुझे करना पड़ेगा तो बहुत फैल जाएगा। अब इतनी सी तो छुट्टियाँ हैं, उसमें क्या क्या करेंगे। लोग ये मत सोचना कि ऐसे कैसे फैला रखा है, दिवाली पे सबके घर की यही हालत होती है। आई फील सो, आपके घर की क्या हालत है, आपकी सफाइयाँ हो गई हैं क्या, प्लीज़ डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। और मेरी तो सफाइयाँ भाई आज से ही शुरू हुई हैं, उससे पहले एक दिन मंजू दीदी ने बेड वो सब मतलब अलमीरा के कुछ कपड़े सेट करवा दिए थे जो कि वापस से वैसे के वैसे ही हो गए हैं, बट अब वापस से करूँगी उनको। पहले खाना बनाती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। और इस सोफे का क्या हालचाल, पे ये रख के आना बेटा। नो नो नो, डोंट ईट दिस, मैं पुलाव बना रही हूँ, वो खाओ आप, वापस से मत खाओ ये। और क्या जगह बनाओ बेटा, बनानी पड़ेगी। चलिए मिलती हूँ आपसे, खाना वाना बना के, खाना खिला के और उसके बाद। तो ये भैया आ गए थे हमारे शूट वाले भैया, सुरेंद्र भैया, शूट करने के लिए। मैंने पूरा सेटअप कर रखा था और मेकअप वगैरह भी कर रखा था, क्योंकि जो ये ड्रेस आपको दिख रही है नीचे, एक्चुअली वो पहन के शूट करना था, लेकिन पहले इस ड्रेस का पूरे सेटअप के साथ में भी एक दो शॉट्स लेने थे। तो मैं वही देख रही थी कि भैया कैसे शॉट्स ले रहे हैं, उसके बाद कुछ अपने इनपुट्स भी दे रही थी दोनों डिस्कस करके, और फिर डिफरेंट डिफरेंट शॉट्स हम डिसाइड कर रहे थे। और ये भैया बड़ा अच्छा शूट करते हैं, मेरे मोस्टली जो इंस्टाग्राम के हैं जो भी हैं सब बहुत ही अच्छा ये ही करते हैं, एडिटिंग भी यही करते हैं हमारे भैया। आप तो पहले ये बताओ मेरा सेटअप कैसा है। अच्छा है। ये भी किया फटाफट से मैंने। हेलो गाइस, इधर क्या कर रहे हैं, जस्ट अभी मैं फ्री हूँ मेरे शूट से, पूरा पीछे आप सेटअप देख रहे हो। अब मैं हटाऊंगी सारा सेटअप, थक गई मैं, 2 घंटे कम से कम ये शूट चल रहा है, भयंकर। 2 या 3 बार मैंने ड्रेसेस चेंज करी, आप देख सकते हो ये वाला प्रॉपर मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे कि कैसा हुआ, क्या हुआ, क्या था, क्या कॉन्सेप्ट था, एवरीथिंग। और 2-3 बार मैंने ड्रेस चेंज करी और उसके बाद फाइनली ये शूट पूरा हुआ है। अब बस मैं वापस से चेंज करके नीचे जा रही हूँ, क्योंकि आज मम्मी जी क्या है 11 से आज तो तुलसी पूजा करेंगे उसके लिए। तो बस नीचे जाती हूँ फटाफट से चेंज करके, ऐसे हिम्मत नहीं हो रही उठने की, पाँव दर्द हो रहे हैं क्योंकि सुबह से तो उसमें लगी थी, दोपहर में मैंने रेस्ट नहीं किया। लेकिन वो ये ना कि दिवाली की बिल्कुल पास आ गई दिवाली, तो फटाफट सफाइयाँ तो निपटानी ही पड़ेगी। पूरा घर ऐसे फैला हुआ, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि दिवाली की सफाइयाँ मैंने करी भी हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी आके भी मैंने चादर ये क्या बोलते कर्टन्स धोने के लिए लगाए थे, कुछ धूप में लगाए थे, तो जो बाहर लगाए हैं वो लेके आती हूँ, अंदर समेट के रखती हूँ। और जो वॉशिंग मशीन में है उनको सुखाती हूँ और दूसरा लॉट वापस लगाती हूँ। तो बस यही सब करती हूँ फटाफट से। सबसे पहले तो मैं नीचे जाती हूँ क्योंकि शायद मम्मी जी का कॉल आ रहा है इनके फ़ोन पर, तो उठ के फटाफट से चेंज करती हूँ, सलवार सूट ही पहन लेती हूँ मैं और जाती हूँ नीचे। आज हम दिया जलाएंगे यही, और इसको देख लो गिर जाएगी अब स्कूटी। आज से दिए जलाने मोड़ी दिया, तू लेके आना जा मंदिर पे, मोड़ी का गट्टा रखा है जा दिया। गाड़ी में मैसे मत मार लग जाएगी, डबल लग जाएगी, डबल लग जाएगी, सिंगल तोड़ दो। तो मैं
मैं जा रही हूँ वापस ऊपर क्योंकि हमें वो पैकिंग करानी है, सोफे की सेटअप वेटअप भी हटवाना है सारा, वही करते हैं। भैया ये सेटअप इतना प्यारा लग रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा हटाने का, बस हाँ हटाना पड़ेगा। और हमने अभी एक भैया को बुलाया था ताकि वो सोफ़े को अच्छे से पैक कर दें। एक्चुअली क्या है, जहाँ से हमने जिनसे सोफ़े लिए थे अमेज़न के थ्रू, उन्होंने ये बोला कि आपको ही इसकी वापस से पैकिंग करा के भेजनी पड़ेगी, हम कुछ नहीं कर सकते, अदरवाइज़ उनको भेजना चाहिए किसी को, क्योंकि हम प्रोफेशनल कोई पैकिंग या मूविंग वाले तो है नहीं। तो ये सामने शॉप वाले भैया, फिर हमने उनको ही बुलाया कि भैया आप पैकिंग कर दो ताकि जाने में ये ख़राब नहीं हो। तो ठीक है, ये गलती कर दी हमने सोफ़ा लेके, बट आगे से हम ध्यान रखेंगे ऑफकोर्स। बच्चों को अंदर छोड़ के मैं आई हूँ, मैंने कहा बहुत पूरा दिन बड़ा हैक्टिक हो गया आज तो, क्योंकि सफाइयाँ, बस अभी सोने ही जा रहे थे, तो मैंने सोचा उससे पहले मैं आपको गुड बाय कह दूँ, गुड नाइट कह दूँ। और आज के दिन में मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितना लंबा दिन था और कितने सारे काम किए हैं। और इन जनरल देखा जाए तो सिर्फ बाहर वाला रूम ही मैंने अच्छे से साफ़ किया, बाकी कुछ नहीं किया, बाकी मैं करूँगी कल। और कल राज को भी स्कूल जाना है, इनका भी ऑफिस है, पीहू की और मेरी छुट्टी है, तो ऑफकोर्स मैं और पीहू ही लगेंगे फिर से वापस से काम पे। तो सोचना है आपकी क्या क्या किया जाए किचन का। एक्चुअली मैंने किसी से बात करी थी तो उन्होंने बोला था, मतलब पूरा उनका है कि क्लीन अप वगैरह सब कुछ, किचन हॉल फैन वगैरह सब कुछ क्लीन करते हैं, बट ये कि अभी सब ऑक्यूपाइड है। तो कल मेरी बात तो हुई है एक कि कल के लिए, अब वो आते हैं कि नहीं आते हैं देखते हैं। मैंने उनको बोला प्लीज़ भरोसे में मत छोड़ देना मुझे कि कहीं मैं आपके भरोसे रह जाऊँ और आप आओ भी नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर मेरे लिए एकदम से सब कुछ हैंडल करना। उन्होंने अश्योर तो किया कि मैम अगर कल नहीं आ पाए तो हम परसों तो पक्का आएंगे ही आएंगे, तो कल एक बार उनको कॉल करूँगी अगर कल किचन कर जाते, क्योंकि सबसे मेन टास्क होता है किचन का, अगर वो कर दिया ना तो बहुत सारी चीज़ें ईजीली हो जाती है। और मुझे एक्चुअली किचन को बहुत ज़्यादा डीक्लटर करना है कि जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो निकालना है, इवन पूरे घर को डीक्लटर करना है। और जितना ज़्यादा चीज़ें रहती हैं ना आपके पास उतना ज़्यादा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। स्टोरेज बहुत सारा चाहिए होता है एक घर में, जो कि थोड़ा सा हमारे घर में लैक कर रहा है अभी। तो यही है कि जितना स्टोरेज है उसी में सामान आ जाए, बाहर जितना ज़्यादा बिखरा रहता है ना उतना ज़्यादा फायदा रहता है। और मैंने एक चीज़ अभी की है, हमारे सामने एक शॉप है वो मतलब कारपेंटर टाइप ही है, मतलब उन बुक करते हैं थोड़ा बहुत खाती वाला काम। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि कुछ कुछ चीज़ें मैंने किया है, बुक किया है फर्नीचर वगैरह जो कि आ जाएगा धनतेरस के दिन। तो उसमें से एक मेरी ड्रेसिंग टेबल भी है, बाकी चीज़ें जो हैं वो भी आपको पता चली जाएंगी, बट एक मैं बता देती हूँ, ड्रेसिंग टेबल भी है, बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी है, बहुत ही सुंदर है। तो मेरी एक्चुअली ये ड्रेसिंग टेबल जो है वो है शादी की, तो मेरी शादी को लगभग 12-13 साल हो गए हैं, तो इस ड्यूरेशन में एक्चुअली बहुत ख़राब भी हो गई है, कुछ होता ही है ना कि ऐसे पपड़ी टाइप निकल जाती है, मुझे पसंद नहीं आ रही थी, थोड़ा सा पुराने स्टाइल की भी हो गई है, सब कुछ है, मतलब मेरा मन था कि मैं चेंज करूं। फिर मुझे मैचिंग की ही ड्रेसिंग टेबल दिख गई, जो मैंने बाकी चीज़ें ली हैं उसके मैचिंग की, तो मैंने वो भी चेंज करा लिया। अब इस ड्रेसिंग टेबल का क्या, इसका ये है कि मैंने जो सामने जो खाती हैं, जो मैंने बताया अभी आपको घर के सामने जो रहते हैं, उनसे बात करिए, तो मैं इसका कुछ करवाने वाली हूँ, जो भी करवाऊँगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या अपना दिमाग लगा रही हूँ, वैसे बहुत ज़्यादा दिमाग तो नहीं है उसमें, बट जो भी मैं करवा रही हूँ आप सबके साथ शेयर करूँगी। और बस यही है, और आई एम तो वेटिंग लाइक एनीथिंग फॉर द न्यू फर्नीचर, कैसे जल्दी से जल्दी आए मैं अपना घर पूरा अच्छे से सेट करूँ। प्लान्स तो मेरे बहुत सारे थे, बट जितना भी मैंने पैसा सेव कर रखा था सारा का सारा, ऑलमोस्ट सारा, तो थोड़ा बहुत बचा है, ऑलमोस्ट सारा मेरा इस फर्नीचर को लेने में लग गया है, जो भी मेरी सेविंग थी, जो भी, क्योंकि होता ही ना कि बाकी चीज़ें भी हम कर रहे हैं, मेरी गाड़ी की किस्तें भी जा रही हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, खुद के खर्चे भी हैं बहुत सारा, है ना, तो शॉपिंग वॉपिंग भी करते रहते हैं, बाकी जो था वो ऑलमोस्ट मैंने इस फर्नीचर पर लगा दिया है।
तो जो मैंने बाकी सोचा था कि मैं ये भी लाऊंगी वो भी लाऊंगी, तो वो मैं अभी एक बार के लिए स्टॉप कर रही हूँ, अगले 2-3 महीने में मतलब ले लूँगी वो चीज़ें, बट अभी नहीं ले रही हूँ। मेरे थे दिवाली पे ये चीज़ चेंज करूँ वो चीज़ चेंज करूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है कहीं तो थम जाना चाहिए, थोड़ा सा पॉज लेना चाहिए, एकदम से पूरा खर्चा नहीं कर देना चाहिए। तो ठीक है अभी मैंने बहुत बड़ा खर्चा कर दिया है जो जो चीज़ें फर्नीचर में मैंने ली हैं उन चीज़ों में, तो मैं बाकी चीज़ों के लिए आई विल वेट। एक दो चीज़ें अभी मेरे मन में है, तो अगर मेरा बजट अलाउ करेगा तो शायद मैं वो चीज़ें ले लूँ, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ शायद ले सकती हूँ, बट या और लेकिन अच्छा लगता है। मतलब तो मेरा बड़ा मन था मेरे घर को डेकोरेट करूँ, सब कुछ करूँ, वो मैं फाइनली कुछ कुछ नई चीज़ें ला के कर रही हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें। अभी फैला हुआ है तो मैं दिखा नहीं सकती हूँ आपको कि क्या हाल हो रखा है घर का, होपफुली कल या परसों तक काफ़ी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाएंगी तो मैं आपको प्रॉपरली दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या चेंजेस कराए हैं। बहुत ज़्यादा नहीं कराए, बट जो जो चीज़ें नई ली हैं उनको मैंने कैसे अरेंज किया है और कैसे किया है। एंड बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं खुद के पैसों से खुद का घर पूरा डेकोरेट कर रही हूँ, नई नई चीज़ें लेके आ रही हूँ, बहुत अच्छी फीलिंग आती है ये वाली चीज़ें। बस तभी तो बोलते हैं ना औरतों को सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, क्योंकि वो होता है ना कि हस्बैंड जो आपको चीज़ें दिलाते हैं वो दिलाते हैं, आपको अच्छा लगता है, बट आप जब खुद के पैसे से कोई चीज़ खरीदते हो आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, मतलब वो एक अलग ही फील आता है कि आप प्राउडली बोल सकते हो कि यस ये मैंने लिया है, और अपने डिसीजंस भी खुद भी ले सकते हो। मतलब जैसे अभी मैं और ऋतुराज गए थे ये चीज़ें, तो मतलब आई वाज लाइक कि नहीं यार मुझे ये पसंद आ रहा है, चलो ये रहता है, बजट थोड़ा सा हाई जा रहा है, कोई बात नहीं, वी विल मैनेज। मतलब आप अपने खुद के डिसीजंस ले सकते हो। एंड ऋतुराज का बेस्ट पार्ट क्या है कि जो मैं कुछ भी डिसाइड करती हूँ ना, ही इज़ ऑलवेज देयर टू सपोर्ट मी, हर चीज़ के लिए सपोर्ट करते हैं, तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है उनकी। तो यस परसों तक सब कुछ आ जाएगा, बाकी दिवाली के जो भी प्लान्स हैं जो भी मैं कर रही हूँ, यू वोंट बिलीव ऋतुराज ने मुझे एक साड़ी गिफ्ट की है, हम लोग कौशिका जो है झुटवाड़ा में वहाँ से लेके आए थे, मुझे उसके साथ का ब्लाउज सिलवाने का बाकी जो एसेसरीज उनका बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है, तो होपफुली मैं कल शायद उसके लिए टाइम निकालूंगी, और एक दो बेस वगैरह मुझे लेके आने थे, शायद मैं उसके लिए भी टाइम निकाल के जाऊंगी। एक बेस जो मैं सोच रही थी कि शायद मैं दिवाली पे पहन लूं, तो उसको सिलने के लिए देना है, अब पता नहीं कोई मुझे सिल के देगा दिवाली तक कि नहीं देगा। कुछ साड़ियाँ रखी हैं जो जिनमें से कोई शायद मैं पहन सकती हूँ दिवाली पे, उसके साथ के ब्लाउजेज लाने हैं, प्लस जो नई वाली साड़ी है उसके साथ का ब्लाउज लाना है, स्टिच तो अभी शायद ही कोई करके देगा। इतने सारे काम पड़े हैं दिवाली के बट मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। तो कल मैं मॉर्निंग में उठते ही जितनी मुझसे क्लीनिंग होगी वो मैं करूँगी, बाकी टाइम जो ये वाली चीज़ें हैं वो पूरी करूँगी, वरना फिर वो होगा कि दिवाली वाले दिन मैं ऐसे ही मतलब अच्छे से रेडी नहीं हो पाऊँगी, जो कि शायद मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए तो ये चीज़ें मुझे कल करनी ही करनी है एनी हाउ, क्योंकि ये भी ऑफिस जाएंगे, राज भी स्कूल जाएगा, तो मेरे पास काफ़ी टाइम होगा ये चीज़ें करने का। तो मैंने ही प्लान किया कि जब राज स्कूल में होगा तब मैं ये सारे काम निपटाऊँगी फटाफट से, ताकि फिर राज जब स्कूल से आए तब उसको मैं मिलूँ, क्योंकि उसको बड़ा अच्छा लग रहा है कि अभी मम्मी घर पे, आज भी जैसे मैं थी घर पे तो बड़ा इन्जॉय कर रहा था मेरे साथ, और कल भी खुश हो रहा था कि मम्मा कल अब मैं जब स्कूल से आऊँगा तब मुझे घर पे मिलोगे ना, तो ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। तो ये सब करना है मुझे, बस यही करना है। तो चलो अब मैं जाके सोती हूँ, और बैकएक हो रही है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा स्प्रे लगाऊँगी, जाके सोते हैं, और कल मिलते हैं आपसे कल के नए व्लॉग में। और कल का मैंने डिसाइड किया है कि मैं बहुत अच्छे से व्लॉगिंग करूँगी, प्रॉपर तरीके से अपना बेस्ट दूँगी, जो कि मैं इन दिनों नहीं दे पा रही हूँ, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट कल का व्लॉग आई होप, देखो यहाँ पे अच्छे से लाइट आ रही है, मैं फालतू में उधर लेके खड़ी थी, तो कल का व्लॉग आई होप मैं बहुत अच्छे से बनाऊँ, बहुत अच्छे से प्रेजेंट करूँ, आई एम होपफुल, बाकी तो सिचुएशन विल डिसाइड। तो यही है, तो कल के व्लॉग में मिलते हैं हम आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और सिर्फ दिवाली की सफाइयों में मत लगे रहिए, अपने आपको भी टाइम दीजिए, जो चीज़ें आपको करनी है उनके लिए भी टाइम निकालिए, और बहुत अच्छे से दिवाली मनाइए। बाय बाय, टेक केयर।